हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के दो वीडियो अपन ने कंप्लीट किए थे, जिसमें अपन ने फोर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देखना, क्योंकि उसमें बेसिक है, उसके बाद आगे बढ़ना ताकि अच्छे से समझ में आए। आज हम करेंगे टाइप फाइव। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में? 16 वर्षों में। अपन ने T1 क्या मान देखा? 16 वर्षों में कितने गुना? n बराबर क्या हो गया? n1 बराबर हो गया 3 गुना हो जाती है। तो वही धनराशि उसी ब्याज की दर से, मतलब दर समान है, कितने समय में? T2 अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है कितने समय में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। n2 बराबर क्या हो गया? 4 गुना। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, n1 - 1 / T1 बराबर होता है n2 - 1 / T2। अब इन चारों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, वो अपने को ज्ञात करनी है। n1 क्या है? 3। 3 में से एक गया अपॉन 16। n2 क्या है? 4। 4 में से एक माइनस T2 अपने को ज्ञात करना है। दो बटा 16 बराबर 3 / T2। T2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 8 × 16, 8 × 3 = 24। 24 वर्ष क्या आ गया अपना आंसर? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अपने को सिर्फ पहले वाला फॉर्मूला याद रखना। पहले वाला फॉर्मूला क्या था? n1 - 1 / T1 × 100। अगर इधर भी इंटू 100, इधर भी इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा? 100 से 100 कट जाएगा। तो n1 - 1 / T1, n2 - 1 / T2। अगर यहाँ पर समय की जगह पर यदि दर दे रखा होगा तो अपन R1 R2 करेंगे। बाकी फॉर्मूला सेम, क्वेश्चन सेम, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसमें अपने को दर गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? गिवन है। देखो अब मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी, लैंग्वेज सेम यही रहेगी। यदि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। मैंने क्या किया, उसमें से क्या निकाल लिया? n1 n2 निकाल लिया, r1 निकाल लिया, r2 ज्ञात करना है। तो अपने को फॉर्मूला पता है, n1 - 1 / r1, वहाँ पर T1 था, यहाँ पर r1 गिवन है तो r1 लिख लेंगे, n2 - 1 / r2। वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करेंगे तो n1 है 4, 4 में से एक गया तो 3 / r1 कितना है? 9। n2 क्या है? 6, 6 में से एक गया तो 5। r2 अपने को ज्ञात करना है, 3 × 3 = 6, r2 बराबर 5 × 3 = 15 %। दर हमेशा परसेंट में होती है, तो 15%, ये जो आवर क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना? देखो वापस बताऊं क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस है, सिंपल सा फॉर्मूला, n1 - 1 / r1, n2 - 1 / r2। n1 और n2 की वैल्यू पुट की, r1 की वैल्यू पुट की, और इजी कैलकुलेशन थी, सोल्व किया, क्या आ गया आंसर? आंसर कितना आया? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ी लैंग्वेज लिख ली अपन ने। कोई राशि 5 वर्ष में, T1 कितना आ गया? 5, 2 × 2 n1 क्या आ गया? 2। तो बताओ कितने वर्ष में? T2 अपने को ज्ञात करना, कितने वर्ष में 5 × n2 क्या आ गया? 5 गुना हो जाएगी।
फॉर्मूला क्या था? एन वन माइनस वन अपॉन टी वन, एन टू माइनस वन अपॉन टी टू। पांच एन वन क्या है? दो, दो में से एक गया तो एक, अपॉन टी वन कितना है? पांच, बराबर एन टू माइनस वन, एन टू है पांच माइनस वन एक, पांच में से एक गया तो चार। टी टू अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो टी टू बराबर पांच इंटू चार, पांचों 20 वर्ड्स। क्या गया अपना आंसर? देखो कितना आसान था, दोनों फॉर्मूले सेम थे। इसमें अपन ने क्या किया, नीचे आर वन गिवन था तो आर वन आर टू लिखा, और यहाँ पर टी वन टी टू गिवन था तो टी वन टी टू। दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, एक तो ये बताया था आर बराबर एन माइनस वन अपॉन टी इंटू शो, ये कल बताया था और आज ये बताया। ठीक है, अब देखेंगे टाइप छः। टाइप सिक्स, कोई धनराशि निश्चित समय अवधि में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% साधारण ब्याज की दर से 32,500 हो जाती है। 12% साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है? 32,500 रुपये। और 8% साधारण ब्याज की दर से हो जाती है 30%। 8% साधारण ब्याज की दर से हो जाती है 30,000 रुपये। मतलब अपने को आर वन दे रखा है 12%, आर टू दे रखा है 8%, ए वन दे रखा है 32,500, ए टू दे रखा है 30,000। अपने को निकालना है वह धन राशि और समय ज्ञात कीजिए। धन राशि मतलब मूलधन, समय मतलब टी टाइम। देखो इसको करने का सीधा तरीका क्या है, 12% की दर से देंगे कोई धन राशि को तो हो जाएगी 32,500, 8% की दर से देंगे तो 30,500। मतलब इन दोनों को घटा लो, 12 में से 8 गए तो 4%, 4% की दर से देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2,500। अरे 12 में से 8 गया तो 4, देखो देखो 4% इधर इनका अंतर किया तो इधर भी इनका अंतर, मतलब 4% बराबर 2,500, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 2,500/4। अपन क्या करेंगे, मूलधन निकाल रहे, ये अपने को मिश्र धन दे रखा है। 8% बराबर कितना हो जाएगा? 8 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8, मतलब 2,500 का डबल कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये है मूलधन। यहाँ तक किसी को समस्या है? सॉरी, मूलधन नहीं होगा, ब्याज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन जो निकाल रहे हैं ना, ये एक अपन ने क्या निकाला, 1%, ये है ब्याज। मूलधन होता 100%, अपने को मिश्र धन है, ब्याज है, तो मूलधन भी निकाल लेंगे, ये है ब्याज। अब देखो मिश्र धन भी पता है अपने को, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन कितना है? 8% की दर से कितना था? 30,000 रुपये। मूलधन अपने को निकालना है, ब्याज कितना? 5,000 रुपये। 5,000 30,000 से गए तो कितने बचे? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये क्या है? पी। अब अपने को ब्याज पता है, ब्याज क्या होता है? ऐसा ही पता है, मूलधन पता है, आर कितनी है? 8% पता है। तो अब अपने को क्या निकालना है? समय निकालना है। समय निकाल लो, ऐसा ही बराबर क्या होता है? PTR/100। पी बराबर 25,000, आर बराबर 8%, समय हमें पता नहीं है, मूलधन हमें पता है 5, सॉरी
ब्याज हमें पता है कितने 8,000 रुपये। ब्याज बार बार मूलधन में जा रहा है, यहाँ पर भी चला गया, यहाँ पर भी चला गया। चलो कोई बात नहीं, दो सिपर से दो सिपर गायब, एक सिपर से एक सिपर गायब, 5 का भाग 25 बार वापस कटेगा 20 बार। अब 20/8, 20/8 समय बराबर 20/8, 4 5 20, 4 2 8, 5/2, मतलब 2.5 समय बराबर। यहाँ पर आंसर आ गया आपका, या फिर आगे सोल्व करो तो 2 का भाग 2, 2 दूनी 4.5 वर्ष समय, टाइम, ये क्या आ गया आपका आंसर। देखो वापिस समझे एक बार, यदि कोई धनराशि निश्चित समयावधि में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 32,500 रुपये और 8% वार्षिक ब्याज की दर से 30,000 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 12% और 8% में अंतर कितने प्रतिशत का है? 4%। तो अपन ने 4% किसके बराबर समझा, इसमें से डिफरेंस क्या लिया, 2,500 रुपये। तो 1% बराबर 2,500/4, अपने को निकालना है 8%, 8% 5,000 रुपये। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन पता था 30,000 रुपये, मूलधन ज्ञात कर लिया 25,000 रुपये, दर पता थी 8%, ब्याज पता था 5,000 रुपये। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर आया 2.5 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह। देखो यह क्वेश्चन भी इस प्रकार है, उसमें अपने को दर दे रखी थी, इसमें समय दे रखा है, कोई बात नहीं। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को वही मूलधन ज्ञात करना है और साथ में ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कोई धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में हो जा 4 वर्षों में हो जाती हैं 44,800, और 6 वर्षों में, इसको ऊपर लिख देते हैं, 6 वर्षों में हो जाती हैं 51,200 रुपये। तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, माइनस कर लो 0 0 2 2 4 6 0, 2 वर्ष में हो जाएगी 6,400 रुपये। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 6,400 रुपये। तो 1 वर्ष में 400/2, तो अपने को चाहिए 4 वर्षों में, तो 4 से गुणा कर लो, 0 0 4 2 8, 6 2 12, 12,800 रुपये हो जाएगी 4 वर्षों में। ठीक है ना, अगर 6 वर्षों में निकालनी होती है तो 6 से गुणा कर लेते। देखो जैसे अपन ने अभी क्या निकाली, 4 वर्ष में निकाली, और पिछली बार भी अपन ने यही किया था, 4 वर्षों में निकाली। मिश्र धन कितना है, 44,800। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। 44,800 में से 12,800 घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा 0 0 0 2 3। मूलधन कितना है अपने पास, पी आ गया 32,000 रुपये। ठीक है ना, ये तो था अमाउंट, ये था इंटरेस्ट, तो क्या आ गया अपने पास, मूलधन। अब अपने को क्या निकालना, ब्याज की दर। आर बराबर क्या होता है, SI × 100/P × T। अगर आपको ये पता नहीं तो आपको ये तो पता ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है PTR/100, ये प्लस नहीं है, टी है।
इसमें वैल्यू रख दो या इसमें वैल्यू रख दो, अपन इस बार इसमें रखते हैं। ऐसा ही कितना था, 12,800। बारह हजार आठ सौ इंटू 100 बटा पी कितना है, 32,000। समय कितना था, 4 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 100 दूना 32, 16 आटी 128, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, आर बराबर कितना आया, 10% आवर आंसर। आया नहीं आया समझ में? देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्या, सबसे टफ क्वेश्चन यही है SICI का। सबसे पहले अपन ने मूलधन निकाला, फिर अपन ने ब्याज निकाला, फॉर्मूला वही है दोनों जो बचपन से पढ़ते आ रहे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज बराबर होता है PTR बटा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि 2,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2,000 रुपये मूलधन आर दर 5 वर्षों में, 5 वर्षों में मतलब समय कितना हो गया, 5 वर्ष, साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज से 200 रुपये अधिक है। मतलब देखो पी कितना दे रखा है शुरुआत में, 2,000 रुपये, आर कितना दे रखा है 8%, समय टी बराबर कितना दे रखा है 5 वर्षों में, साधारण ब्याज किसी धनराशि पर, पी टू इनको 1,1 मान लो, नहीं दे रखा है, किसी धनराशि पर टी कितना दे रखा है 5%, आर दे रखा है 5%, टी बराबर क्या दे रखा है 4 वर्षों के लिए, साधारण ब्याज से 200 रुपये अधिक है। मतलब यह वाला इंटरेस्ट SI1 इज ग्रेटर देन, इससे कितना अधिक है, ये 200 रुपये, अगर ये वाला इससे घटाएंगे तो कितने रुपए अधिक आएंगे, 200 रुपये। ये बोल रहा है ये जो रुपये हैं ये दर है और ये समय है, जो ब्याज आता है वो इस वाले ब्याज से 200 रुपये अधिक है, तो इसका ब्याज माइनस इसका ब्याज बराबर किया जाएगा 200 रुपये। तो अपने को फॉर्मूला पता है PTR बटा 100 बराबर, सॉरी माइनस PTR बटा 100 बराबर किया जाएगा 200। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 2,000 इंटू 8 इंटू 5 बटा 100 माइनस पी टू अपने को ज्ञात करना है, 5 × 4 बटा 100 बराबर कितने 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 × 5 = 20, 8 × 5 = 40, 40 × 2 = 80, 800 माइनस P2/5, इनको अपन ने काट के गलती कर दी, काटना नहीं था, नहीं काटते तो बहुत आसान तरीके से हो जाता, क्या करें, वापिस करें। देखो 2,000 × 8 × 5/100 माइनस P2 5 × 4 बटा 100 बराबर 200। 100 इधर भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन लेके उधर भेज दो, ऊपर क्या बचा, 8 × 5 = 40, 40 × 2 = 80,
3 0 81 1000 माइनस 5 4 20 20 P2 ये दोनों 100 100 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो 200 × 100 कितने हो जाएंगे 20 हज़ार। 20 हज़ार इधर है, इधर है 80 हज़ार, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 20 P2 ये इधर जाएंगे तो 80 में से 20 गया तो कितना बचा 60 हज़ार। 10 से 10 कट गया, 2 से काट लो, 2 3 6 3 हज़ार P2 क्या आ गया, अरे कुछ दिखे ही नहीं आपको तो, नहीं नहीं सही है, P2 बराबर क्या आ गया 3 हज़ार। कैसे किया अपन ने, 100 कॉमन लेके उधर भेज दिया, ये 100 गुणा हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 80 हज़ार, इसको इससे किया 5 × 5 = 20 20 P2 80 हज़ार इधर थे 20 हज़ार, 20 हज़ार 80 हज़ार में से 20 हज़ार माइनस किए तो 60 हज़ार, 60 हज़ार × 20 P2 20 काटा इसको ऐसे, क्या आया 3 हज़ार। ठीक है ना, ये तो काफ़ी इजी था, अपन अगर कैलकुलेशन में ऐसे करते तो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। अब क्या करते हैं, ऐसे 200 के बराबर, फिर ये इधर आता, देखो ये माइनस का इधर आता प्लस में, ये 1000 कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो गई अपने, चलो इसको छोड़ो अपन तो उससे करते हैं, ये वाला बेस्ट है ना, कॉमन लेके उधर भेज दो, टाइप 8 अंतिम प्रकार। अमित ने 50,000 रुपये बैंक से उधार लिए, जिस पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए, T1 क्या है 4 वर्षों के लिए, R बराबर क्या है 10%, अगले 3 वर्षों के लिए T2 बराबर 3 वर्ष, R2 बराबर 8%, उसके बाद 6%, मतलब R3 बराबर 6%, 10 वर्षों के लिए, ये 4 है ये 3 है, अगले 10 वर्षों के लिए मतलब T3 कितना हो गया 4 3 7 तो ये हो गए, आगे कितने बचे 3 वर्ष, 10 वर्षों के लिए अमित ने द्वारा चुकाया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो अमित ने 50,000 रुपये बैंक से उधार लिए, कितने लिए 50,000 रुपये, कितने समय के लिए 10 वर्षों के लिए, अब उसने क्या किया, पहले 4 वर्षों के लिए तो 10%, नेक्स्ट 3 वर्षों के लिए 8%, नेक्स्ट 3 वर्षों के लिए 6% ब्याज दिया, तो टोटल कितना ब्याज दिया, तो अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, ब्याज बराबर क्या होता है PTR/100, अब ये 3 बार है तो 3 बार लिख लो, देखो ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, लेकिन P तो सब में कॉमन है, तो P को कॉमन ले लो, T/100 भी कॉमन है, 100 को ही बाहर निकालो, ठीक है, P कितना दे रखा है आपने को, P दे रखा है 50,000/100, 40 8 3 24 6 3 18, 40 24 18, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 4 12, 2 2 4 4 8 × 500 कर लो इनको, 2 0 5 2 10 8 5 40 और 1 41,
41,000 रुपये उसने इंटरेस्ट दिया 10 सालों में। कितने सालों में? 10 सालों में। देखो काफ़ी इजी था, इसमें क्या दे रखा था, ब्याज, टोटल ब्याज ज्ञात करना था। ब्याज की दर और समय परिवर्तित हो रहा था। ब्याज की दर और समय कितने कितने सालों में बदल रहा था? पहले बदला था 4 वर्षों में, फिर बदला 3 वर्षों में, फिर बदला 3 वर्षों में। कितना बदला? एक तो 10%, एक 8% और एक 6%। तीनों को अपन ने अलग अलग सोल्व किया, लेकिन जो कॉमन होता है उसको अगर बाहर निकाल लेते हैं ना तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती हैं, और अपन ने वही किया और उससे क्या हुआ, क्वेश्चन इजी हो गया। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इसलिए अपन ने इसको चुना। कोई धनराशि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 साल में, आर क्या है 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 साल में, मतलब टी बराबर 10 साल, 650 रुपये हो जाती है। अमाउंट मिश्रधन कितना हो जाता है? 650 रुपये हो जाता है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन मैंने दो तरीके से कराया था, लेकिन मेरे को लगा कि एक बार और बताना चाहिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन था। देखो 3% बराबर क्या होता है? 3/100। अगर अपन मूलधन 100 रुपये माने तो ब्याज कितना हुआ है? 3 रुपये 1 साल का। 10 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में 3 रुपया, 10 साल में इंटू 10, 30 रुपये। अपने को क्या निकालना है? धन राशि ज्ञात कीजिए। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू ब्याज। मिश्र धन दे रखा है 650। 650 बराबर अपने इसमें किसके बराबर है? 100 और 30, 130 के बराबर है। अपने को निकालना मूलधन, 130 बराबर है 650 के, तो 100 बराबर किसके होगा? 13 पंजे 65, 500 रुपये के। ठीक है ना, ये तरीका मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये तरीका अपन पसंद नहीं करते हैं। तो दूसरा तरीका कौन सा है वो भी मैं बता देता हूँ। कोई धनराशि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 साल में 650 हो जाती है। मतलब अपने को इतना तो समझ में आ गया कि मिश्र धन कितना है? 650 रुपये। इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो दर कितनी है? 3%, मतलब 3 रुपये वो हर साल लेगा, तो 10 साल में कितने रुपए लेगा? 30 रुपये। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये भी समझ में आ गया। ये ब्याज हमें पता है कि अगर प्रतिशत में दे रखा हो, तो अगर ये 30 रुपये है तो मूलधन कितना है? मूलधन है 100 रुपये। तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो गया जाएगा? 130 रुपये। अपने हिसाब से तो मिश्र धन 130 रुपये है, लेकिन क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 650। अपने हिसाब से तो 130 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 650। एक बराबर कितना हो जाएगा? अपने को क्या निकालना, मैं मूलधन, मूलधन कितना है? 100, 13 पंजे 65, ये 500 रुपये है प्रिंसिपल। आगे समझ में? यहीं के साथ आपका CISI ख़त्म करते हैं। फिर भी कोई इश्यू हो तो आप इस नंबर पर 8005702309 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई तरीका, कोई मेथड, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आई समझ में तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।